अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फरक के पहले ना लो। फरक के पहले बीमार थे आप? नहीं, पहले भी ठीक सी, हूँ भी ठीक है। कौन सी सब्जी है जिसका एक हरफ हटाने से फल बन जाता है? एक हरफ हटाने से फल बन जाता है जी, सब्जी का जी। असि कभी सब्जी खाद नहीं, साढ़े घर दाल पक दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फरक के पहले ना लो। फरक के पहले बीमार थे आप? नहीं, पहले भी ठीक सी, हूँ भी ठीक है। हूँ बहुत ठीक है। अच्छा चले, क्या करने हैं आप यहाँ पे? इतने लुडियां तमाल देख रही थे, फिर टुरना है। लुडियां तमाल पा के बहाओगे? नहीं नहीं, ऐसी बदतमीजी नहीं करी। ये बदतमीजी है? नहीं जी, ये जरा ना फिर अपना फन का स्टाइल होंगे हर बंदे का। नॉलेज कैसा है आपका, माइंड सेट कैसा है? क्वेश्चन कर लूँ आपसे? क्वेश्चन कर लो, लेकिन कोई गल नहीं, देख लेने की स्वाभाविक दी। अच्छा, तो जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो गुस्सा आने पर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है? ओ, दिमागी तवाजन होंगे जरा गर्म हो जाता है। गुस्सा आने तो बाद गुर्दे फेफड़े तो गर्म होने रहे, तो सारी बात है। हाँ, कैसी शाय हो सकती है ऐसी? सोच लें, दिमाग से इतना जोर पाया तो फट जाएगा अभी। ये बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, मुझे लगता है यही शाय है। अच्छा चले, कोई और कोई फन करके दिखा सकते हैं आप? कोई झुकते हैं, कोई शेर, कोई एक पहले तुम छोटी जी गजल सुनाना। पहले कितने पुरानी कितने में वेले बह के लिखी सी। मैं अक्सर शब की तारीखी में अक्सर व बेशतर सोचता हूँ, कुछ रंग भरी उन शामों के दिलकश हसीं मनाजिर को अपने मन से खोलता हूँ। मैं अक्सर ऐसा सोचता हूँ, क्या मानी थे उन बातों के, सुबह शाम गुजरी उन सातों के, मिल बैठ कभी जब खोजता हूँ। मैं अक्सर ऐसा सोचता हूँ, कुछ पल के लिए ये भी सोचता हूँ, मैं क्यों ऐसा हूँ और क्यों ऐसा सोचता। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਚੁਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ, ਮਸਜਿਦ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਮੈਂ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸੀਟ ਸੂਟ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਆਪਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਪੰਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਗੱਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ठीपा गुम हुआ है, क्या हो गया आपको? मेरी गल सुन, चवन्नी वर्गा मुंह तेरा उस्ताद, चवन्नी वर्गा तेरा अपना मुंह, तेरा ठीपा किवें गवाच गया? तो कैसे हैं आप? ठीक हो ना? तो आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? यहाँ पे मैं विजिट करने आया हूँ, वैसे देखने आया हूँ। तो आप पाकिस्तान में यहाँ पे कितनी दफ़ा आ चुके हैं? नीची नहीं अल्लाह जाए पाँची से ऑलमोस्ट 8 साल। 8 साल से आ रहे हैं। तो आपको हमारा पाकिस्तान कैसा लगा? पाकिस्तान समय यहाँ ठीक है, अच्छा लग गया है। तो आप ये बताएं कि आप जहाँ पे मौजूद हैं, आपको इसका इसके बारे में कुछ डिटेल पता है? इसके बारे में क्वेश्चन कर लो। नीचे तो हमारे थी फंग मींस आप यहाँ पे हैं, तो आपको मतलब कोई आप पाकिस्तान के हवाले से कोई बात करना चाहेंगे? पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, मैं यहाँ पे खुश हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के लिए आपने इतना अच्छा बोला, तो आप कोई शेर, कोई फन, कोई मतलब सुनाना चाहेंगे अपनी जुबान में? बाद में छांगा पा चुंग चुंग छांगा सॉन्ग सुना दे चाइनीज। बहुत ज्यादा लोग हैं, मैं कंफ्यूज हूँ, सॉरी।
इंग्लिश में भी नहीं आता आपको गाना? इंग्लिश इसकी ना थोड़ी, चले मतलब आंखें बंद करके सुना दें आप। आपको दोबारा गाना भी सुनाऊंगा और पोएट्री भी सुनाऊंगा। चले थैंक यू सो मच, मिलके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फिट। क्या लेने आए आप यहाँ पे? यहाँ पे मज़ा लेने आए हैं। मज़ा लेने आए हैं किसके साथ? दोस्तों के साथ मज़ा लेने आए। दोस्तों के साथ आए हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा आप क्या करते हैं लाइफ में? जी लाइफ में जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मास्टर इंग्लिश कर रहा हूँ और जॉब कर रहा हूँ एज अ सुपरवाइज़र। बस चल जा रही है ज़िंदगी। आपका जनरल नॉलेज कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप पूछ सकती हैं कोई सवाल पूछना चाहेंगी तो। अच्छा चलें, सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। पानी में तीन बत्तख जा रही हैं, ठीक है, और जो दरमियान वाली है वो कह रही है कि मेरे दो आगे हैं और तीन पीछे हैं। अच्छा, तो मतलब क्या इसका आंसर होगा? दो आगे और तीन पीछे हैं। दो आगे और तीन बीच वाली की तीन जा रही हैं टोटल। जी टोटल जा तीन रही हैं। जी तो ऐसा हो सकता है उनकी शेडो भी हो पीछे, मतलब कि वो कह रही हो कि शेडो को बीच में मिला के किसका निकल जो साया वगैरह भी आ रहा है। बस वो कह रही है, अब मुझे नहीं पता कि पीछे शेडो भी है या आगे शेडो उसका है। सारी बात है या तो आगे शेडो होगा या पीछे होगा, एक जगह पे होगा, आगे और पीछे दोनों जगह पे तो हो नहीं सकता। वो जो बतख है वो मरियम नवाज है, हमें उसी माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी सारी बातें। अच्छा चले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ आपसे। वो कौन सा फल है, सॉरी वो कौन सी सब्जी है जिसका एक हरफ हटाने से फल बन जाता है? एक हरफ हटाने से फल बन जाता है जी सब्जी का? जी असली कभी सब्जी खाती नहीं, सड़क दाल पकती दाल पकती है। चले देखी तो होगी आपने, देखी हुई जड़ियाँ तो भाई। हाँ तो इतनी सब्जियाँ देखी तो होंगी, ये वाली सब्जी, ये वाली सब्जी, ये वाला फल। फल फल भी कभी नहीं खाया आपने? बात इस तरह से, मैं एक दफा फल लेने चला गया। अच्छा। इत्तेफाक से मेरी जेब में 100 रुपया था। अच्छा। मैं फल लेने चला गया, मैंने ऐसे आम को हाथ लगाया, मैंने कहा यार कितने का है? वो कहता किसको हाथ लगाया? मैंने कहा ये वाला, कहता उठा ले तेरा हो गया। तो सीधा करो तुम सब्जी जो काट के आना तो मेरे फल दे दे, मेरे भूख बहुत लगी। और नावल निगा रहा हूँ, नावल का लिखता हूँ, एक्टिंग का शौक है और इंशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री में जाने का कोशिश कर रहा हूँ। बिहारी से मूव किया लाहौर में सिर्फ बेसिकली इस चीज़ के लिए। और मेरी एक गज़ल है अगर आप सुनना चाहें तो। मैं वो जो तन्हाई पे बाप लिखा करता था, मैं वो जो तन्हाई पे बाप लिखा करता था फिर उसकी बेवफाई के असबाब लिखा करता था। मैं वो जो तन्हाई पे बाप लिखा करता था फिर उसकी बेवफाई के असबाब लिखा करता था, छुपा लेता था अपनी अच्छाई उसकी बुराई भी लाजवाब लिखा करता था। मैं वो जो तन्हाई पे बाप लिखा करता था, अब छाया है अरसू अंधेरा तो क्या घबराना राशिद, मैं ही था जो उसे आफ्ताब लिखा करता था, मैं वो जो तन्हाई पे बाप लिखा करता था। ऑब्वियसली एक लड़के की ज़िंदगी में लड़की होती है जिसकी वो याद में लिखे, तो होती है कि ये जिसकी याद में ये शायरी लिखी जाती है, बाकियों की याद में रुके लिखे जाते हैं जी। और एक शेर है मेरा कि मिसले परवाना निकली किस्मत राशिद, मिसले परवाना निकली किस्मत राशिद के जिसे चाहा वही मेरा कातिल निकला। आए हाय 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 हाय, सुन यार चलें ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।